ये बागीचा ठीक है, यहीं पे चोरी का सारा माल छुपा देता हूँ। वीराना, सन्नाटा। कौन है बे? इस बागीचे का मालिक। आइए आइए। एक्सक्यूज मी। अबे इतना डे एस्पिरेटली जो है तू स्कूल होना मांग रहा है, आज ही स्कूल होके लेगा तू। अबे क्यों करे तेने स्कूल? कहीं का तू मंत्री पार्टी सन नेता लग रहा है, हमारा फूफा हो रहा है तू? नहीं नहीं मैडम, मैं कहीं का भी मंत्री नहीं हूँ, ना ही मैं आपका फूफा हूँ। अरे मैं तो यहाँ पे FIR लिखवाने आया हूँ। बीवी बुलडोजर है। तुम इस बात की FIR लिखवाने आए हो कि तुम्हारी बीवी बुलडोजर है? वैसे तुम रहते कहाँ हो? दिल्ली करोल बाग। बीवी बुलडोजर है। करोल बाग? अरे करोल बाग में तो क्या कुल्फी मिलती है मैडम, मैंने खाई है मतलब। अरे वो छोड़िए मैडम, कुलचे मिलते हैं वहाँ पे। ओहो, मतलब एक बार कोई वो कुलचे खा जाए तो सब कुछ भूल जाए। और वो कुलचे भी मतलब छोले के साथ नहीं, आलू की सब्जी के साथ भी खा लू। अबे लुच्चे, कुलचे खाएगा तू? रेपटे खिलाऊंगी डंडे में लपेट लपेट के एकदम गर्मा गर्म। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मतलब मैडम आपको पता है ना कि मुझे खाने का तो कितना शौक है, तो इसलिए थोड़ा मैं बहक गया था। जहर खा ले। सॉरी। वेल, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द दादाजी मैं एक इंजीनियर हूँ, बीबी बुलडोजर है। वेल, व्हाट इज द मैटर इज द क्या किसी ने तुम्हें दे दिया लव लेटर इज द तू सलजम की शक्ल का हो जा। अबे नाम बोल ले अपना, शंभू शिकारी। एग्जैक्ट सेम टू सेम। मैडम मैं स्टंप हूँ। कौन सा, साइड स्टंप या मिडिल स्टंप? मतलब मेरा नाम स्टंप है, स्टंप सक्सेना। अब आप लोग पुलिस वाले हो तो आप लोगों को क्यूरियोसिटी तो हो ही रही होगी ना कि अगर मेरा नाम स्टंप है तो मेरे डैडी और मम्मी का नाम भी क्या होगा? Yes! तो मेरा नाम है स्टंप, डैडी का नाम है पंप और मेरी मम्मी हड़कंप है। और बीवी का क्या नाम है? भूकंप। उसका नाम बेला है, उसके चारों ओर लगा मेला है। मतलब वो मोटी है। बीबी बुलडोजर है। देखो यार, जो भी बात है, दिन है या रात है, राजस्थान है या गुजरात है, जरा खुल के बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना एक बार हमारे मैडम के दिमाग का लट्टू बजर बट्टू बन गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की नॉटी नरगिस से। मेरा मतलब है चीखती चित्रंगदा, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली, समझे? तो मैंने मैडम अभी अभी बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैडम मुझे एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, यानी कि पुल बनाने का। वो बगल में गांव है ना होलूगंज, तो होलूगंज को हाईवे से जोड़ने का जो ब्रिज बनाना है वो मुझे बनाना है। अब मैडम मैं होलूगंज पहुंचा, वहां पे ब्रिज का काम शुरू करने के लिए, तो कुछ लोगों ने मुझे रोक दिया वो काम करने से। बीबी बुलडोजर है। क्यों, जब तू इंजीनियर लग रहा है, थारे पास कॉन्ट्रैक्ट हाथ में, थारे हैं गले में वो सब तू लगा के घूम रहा है, टोपी वोपी पहन के बढ़िया, तो क्यों काम करने से रोक रहे हैं लोग तेरे? अब मैडम बात ये है कि वो होलूगंज से जो हाईवे तक का ब्रिज है ना जो बनाना है मुझे, उस बीच में एक बागीचा आता है, तो वो बागीचा है ना वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं जब वहाँ पे काम करने के लिए गया तो गांव के सरपंच ने मुझे ये बताया कि देखिए इस बागीचे में ना एक खतरनाक मालिक का भूत रहता है।
उसे ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए ये ब्रिज है ना, तुम इसके ऊपर से नहीं ले जा सकते। ये 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 मैडम, मैंने अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपने जेवरात, ये सारे है ना गिरवी रख के सरकार से एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है ब्रिज बनाने का। अगर मैंने ये ब्रिज नहीं बनाया ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, जबकि बीवी बुलडोजर है। बागीचे में भूत है। कॉल द सरपंच एंड ऑर्डर सम लंच। फॉलो हिम। वेल मॉम, she is the sarpanch is the and she is the chela is the. Ram Ram madam, Ram Ram. मैं हूँ सरपंच, खा पी के हूँ टंच, पेट फुला के हूँ। और मैं इनके चेले, तुतू त्रिपाठी, गरम पकौड़ी, कुर कुर। भाई सरपंच जी, ये कैसा तुमने सरपंच होके परपंच मचा रखा है अपने क्षेत्र में? हैं? भाई एक जो है शरीफ आदमी, इंजीनियर जो है दर्जे का, पढ़ा लिखा मेहनती आदमी अपना काम करना मांग रहा है, तुम करने नहीं दे रहे, इसे इसके काम में बिघन क्यों डाल रहे हो? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैडम क्या है ना कि अगर बगीचे में गड्ढा खोदा गया, उसमें पिलर गाड़ा गया, तो मैडम मौत का कोहराम हो जाएगा, मौत का तांड हो जाएगा, कौरव पांड हो जाएगा, और होगी वहां पे मौत की महाभारत। पेट फुला के हूँ। अरे ओ ऐसा है ज्यादा, यहाँ माइथोलॉजिकली स्क्रिप्ट खोलने की जरूरत तो है कोई ना? ऐसी भाषा में बात करो जो हम में से किसी एक की तो आए कम से कम समझ में। अरे मैडम जी, सरपंच जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस भूतिया बगीचे के भूत मालिक को आप जानते नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। गरम पकौड़ी, कुरकुर। ए भूत होगा अपने घर में, हमारी मैडम भी किसी भूत से कम नहीं है। मेरा मतलब है कि कोई भूत वूत हमारी मैडम के सामने नहीं टिकता है, क्यों सर? हाँ भूत वूत टिकते नहीं है इनके सामने, वैसे हम हमेशा कोई भी भूतों से डरता नहीं है यहाँ पर। वी आर ऑल वेरी ब्रेव। और देखिए भाई साहब, ये जो अच्छे से इंजीनियर साहब यहाँ बैठे हैं, इनके पास सरकारी ऑर्डर है, और एक बार सरकारी ऑर्डर आ जाए तो हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। वी आर वेरी सॉरी, ऑर्डर इज ऑर्डर। Well, let her do her work. मत दो ज्यादा ज्ञान इस दा, वरना मैं गोप जाके मरोड़ दूंगा उस भूत के कान इस दा। Wow. अरे वाओ, क्या बात है दादाजी, थैंक यू वेरी मच सर। बीवी बुलडोजर है, प्लीज सरपंच जी आप मुझे मेरा काम करने दीजिए ना। और अदरवाइज वहां पे देखो भूत आ भी गया तो दादाजी है ना उसका कान मरोड़ने के लिए बीवी बुलडोजर है। अरे कमाल यार, ऐसे दादाजी जो है ना वहाँ कितने परलोक सिधार गए हैं। उस भूत को देख के बड़े आए हैं उसके कान मरोड़ने वाले। Well, तुमने उड़ाया है मेरा मजाक इसदा, मैं भूत का निकाल दूंगा झाग इसदा। अरे आप उत्तेजना में इतना मत बोलिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा। गरम पकौड़ी, कुर कुर। चुप है, शायद तनु पता नहीं जद एक पंजाबी दा खून खौलदा है वो हर चीज कर दिखांदा है जो एक बार बोलदा है। क्या बात है, क्या बात है, तालिया तालिया, क्या बात किए गोप तुमने सच में। तो बात साफ हो गई, ये जो हमारा बहादुर अफसर जो है ये आएगा तुम्हारे बगीचे जहां पर तुम बोल रहे हो जो भूत वूत फिरते फिरते, वहां के चेक करेगा कि भूत वूत है या नहीं है, और अगर है तो डरावना है या अच्छा है, फ्रेंडली है, कैसा है। Yes! हमारा हाय बोल देना गोपी, अगर फ्रेंडली फ्रेंडली है तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, आएगा या आ जाएगा रात को आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होता रहा आज रात, गोपी रात उस बगीचे में बिताएगा, पूरा मुआयना करेगा और कल जो है मन्ने रिपोर्ट लाके देगा। और एक बात यहाँ मैं जरा सबकी जानकारी के लिए कह दूं। हाँ जी मैडम। कि सरकारी काम में अगर किसी ने भी बिघन डालने की कोशिश करी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो गांव वाले हो, सरपंच हो या हो सरपंच की अम्मा। समझ में आ गई बात? इब निकलिए यहाँ से दोनों। ठीक है मैडम, अब आप कह रही हैं तो मैं जा रहा हूँ, पेट फुला के हूँ। लेकिन मैडम
मैं जाते जाते एक बार आपसे फिर कह जा रहा हूँ कि आप उस भूत से पंगा मत लीजिए मैडम, नहीं तो फिर हाँ। दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे। चलो भाई निकल लो, चलिए भी गरम पकौड़ी कुरकुर। जाओगे यार गोपी? वेल मुझे नहीं है भूत इज्जा, आज मिलेगा वो भूत इज्जा। तुझमें क्या है यार, तू भूतों से कहाँ डरता है? तूने तो मैडम के सामने कहा कि तू भूत का कान ऐसे मरोड़ देगा, अब क्यों डर रहा है? वेल वो तो कर दी थी मैंने फेंकम फाकी इज्जा, भूत का नाम सुन के मर जाती है मेरी काकी इज्जा। क्या बात कर रहा है यार गोपी, तूने तो कहा था तू भूत का झाग निकाल देगा। Well, भूत निकाल देगा मेरा झाग इज्जा, मक्की की रोटी ते सरसों का साग इज्जा। गुलगुले माई फ्रेंड्स माई ब्रो, यार तेरे पास तो आइडियो का भंडार रहता है यार, कोई ऐसा आइडिया दे जिससे मैं उस भूतिया बगीचे में जाने से बच जाऊं और उस भूत से भी। क्या यार, देख यार गोपी तुझे वहां जाना तो पड़ेगा। नो अबे पूरी बात तो सुन ले यार, आगे बोल रहा हूँ ना, लेकिन एक रास्ता है, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो मतलब एकदम कमाल के हैं, मतलब बहुत पहुंच है उनकी, वो ना तुझे बचा लेंगे, कोई ना कोई रास्ता वो निकाल देंगे। एक काम करते हैं, मैं तुझे अभी वो तांत्रिक बाबा के पास लेके चलता हूँ, चल वो कोई रास्ता निकालेंगे। नहीं नहीं यार, ये तांत्रिक बाबा होते हैं ना ये तो भूतों से भी ज्यादा डरावने होते हैं, मैं नहीं जाऊंगा यार। अरे ऐसे डरता रहेगा तो क्या होगा तेरा, तेरे को भूत से बचना है ना, तू चला जा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे चल ना तांत्रिक बाबा के पास। अरे मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं नहीं मैं अपने आप आऊंगा, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आएगा ना? हाँ। तो आ जा, इतना नाटक कर रहा है, बाबा तेरी हेल्प करने वाले तेरे लिए यहाँ पे आए और तेरी गोपे तेरी को। चल 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 बाबा के पास। अरे बाबा की जी, कैटरीना कैफ। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। अरे चुप रहो वरना कबूतर बना दूंगा। कैटरीना का नंबर है क्या? Well, मेरे पास नहीं है कैटरीना का नंबर इज्जा, अगस्त के बाद आता है नवंबर इज्जा। चुप वरना नेवला बना दूंगा। कैटरीना का नंबर है क्या? बाबा ये बार बार आप इस तरह हमें चुप रहने के लिए कहेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम आपको बताएंगे कैसे? बात कैसे बताएंगे? अरे बाबा को कुछ दान दक्षिणा भी दोगे या ऐसे ही तुम्हारी परेशानियां सुन ले? कैटरीना का नंबर है क्या? वो सॉरी बाबा सॉरी, ये हमारे हमें याद था लेकिन पता नहीं कैसे भूल गए, वो है गोपी वो निकाल 11 रुपए दक्षिणा के। अरे चुप वरना कन खजूरा बना दूंगा। अबे क्या बोल रहे हैं? 11 रुपए? अरे बाबा को दान दक्षिणा दे रहे हो या भीख? शत्रुकन्ना आते। वेल गुलगुले आई थिंक 51 रुपए रहेगा भूत इज्जा, प्लीज बाबा सेव मी फ्रॉम भूत इज्जा। अरे यंग मैन तुम समझे नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे। ओहो महाराज आप समझा मैं। ये तो मेरे साथी है, बाबा जी कभी मिलो शाम को। अरे चुप रहो वरना कौवा बना दूंगा। तुम मेरा मतलब नहीं समझ रहे हो यंग मैन। मेरा मतलब था कि तुम यहाँ बाबा के दरबार में आए थे तो कम से कम कैटरीना की फिल्म की डीवीडी ले आते। लाएंगे लाएंगे बाबा लाएंगे, कैटरीना की फिल्म की हम डीवीडी भी लाएंगे, लेकिन पहले आप हमारी समस्या तो सुन लीजिए और जरा समस्या का कुछ समाधान निकालिए ना बाबा। बाबा बात यह है कि यहाँ पास में एक गांव है और उस गांव में एक बगीचा है और बाबा उस बगीचे में एक माली है जो माली नहीं है बाबा, वो एक भूत है, भूत भूत। और ये जो गोपी है ना इसकी ड्यूटी लगी है उस बगीचे में, इसे पूरी रात उस बगीचे में गुजारनी है बाबा, बताइए। तुम एक काम करो, ओम ग्लीम ग्लीम ग्लीम। यंग मैन तुम ये कंगन लो। वेल बाबा जी
ये कंगन किसको है पहनाना इसदा, अड़ोसन आरती अस्थाना को इसदा, या पड़ोसन टुन्नी टंडन को इसदा। अरे चुप रहो, वरना इंसान बना दूंगा। हम? तुम मेरा मतलब नहीं समझे यंग मैन। इसे पहनकर तुम उस भूतिए बगीचे में जाओ और वो भूत आकर तुमसे नमस्ते ना करे तो मैं इस कटरीना का फैन नहीं, फिल्में देखना छोड़ दूंगा इसकी। कटरीना का नंबर है क्या? अरे बाबा, कटरीना का नंबर भी ला देंगे बाबा, आपको ला देंगे। उसके बाद वो सलमान को आप जरा हैंडल कर लीजिएगा। ओके। नहीं, वैसे गोपी चल, मिल गया कंगन, अब तू जा उस भूतिया बगीचे में और देख कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, बाबा ने दिया है कंगन, बाबा ने। हाँ सुनो, डीवीडी लाना मत भूलना। कंगन, वेल, ए भूत, मैं नहीं हूं तुझसे डरता इज्जा, मैं बना दूंगा तुम्हारा बैंगन का भरता इज्जा। अरे यार, कोई भूत बात नहीं होता है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अरे भूत बात रहता तब सामने आता ना। थोड़ा टाइम पास कर ले। लपी 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 लपी। हेलो लैब्स। नहीं श्याम नारायण, नहीं डरो मत, मत डरो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। बिलौटा बेल बॉटम में। कुसुम कली, तुम क्यों घबरा रही हो? मत घबराओ, तुम बस पन्ना लाल के साथ चुपचाप बैठी रहो। बिलौटा बेल बॉटम में लगता है तुम सब की प्यास बुझाने का वक्त आ गया। माफी, माफी, माफी। जो भी इस बागीचे में आया उसे माफी नहीं बल्कि उसे मौत मिली है। बिलौटा बेल बॉटम में। चिंटू चौरसिया, तुम सो क्यों रहे हो? क्यों सो रहे हो तुम? आंखें खोलो, खोलो आंखें और देखो। कुसुम कली, तुम भी देखो। पन्ना लाल, तुम देखो, देखो तुम लोग सब देखो, देखो कि यहाँ बागीचे में जब कोई आता है तो उसका क्या हाल होता है। देखो, अब 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 तुम्हारी बारी है। आज के बाद तुम भी यहाँ इस बागीचे में। बेल बॉटम में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.